सत श्री अकाल, स्वागत है सारों का ब्रॉडवे ए टू ई अकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एंड अज मैं तुहाडे नाल गल करूँगी ड्यूलिंगो बारे। ड्यूलिंगो के बारे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन जिहड़ी कि आम तौर पर स्टूडेंट्स नू फेस करनी पै रही है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेरी नाल आते हैं कि मैम साडा टेस्ट तो हुण इनवैलिड हो गया है, बट इनवैलिड होने का रीज़न सानू नहीं पता बिकॉज कई बार वो डायरैक्ट मेल से इनफॉर्मेशन अपलोड नहीं करते। एंड सैकेंड थिंग, जो टेस्ट इनवैलिड हो जाए तो तुसीं किवें एंड किस तरीके दे नाल उहनू कन्फर्म करवा सकते हो, किहड़े सोर्सिज ने जिन्हां दे थ्रू तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो सब तो पहला जो गल की जाए ड्यूलिंगो टेस्ट के इनवैलिड होने के बारे, सो ड्यूलिंगो टेस्ट जिहड़ा है वो इनवैलिड कुछ खास रीजनस करके हो सकता है। सब तो पहला रीज़न तो जे तुहाडा बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा है, मे बी स्टूडेंट्स को इदा लगता है कि भी वो किसी ऐसे प्लेस पर बैठे ने जिथे बिल्कुल भी कोई भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, वो क्वाइट प्लेस है, क्वाइट सिटिंग एरिया है, बट स्टिल कई बार जब तुम टेस्ट दे रहे हो तो कितने कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो वो भी डिटेक्ट हो जाती है बिकॉज इस टेस्ट जिहड़ा है ये पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है एंड रोबोटिक सिस्टम्स दे नाल इनू एनालिसिस किया जाता है। सो किसी भी तरह का कोई माइनर साउंड या कोई भी माइनर बैकग्राउंड नॉइस जे तुहानू पिछों आ रही है ड्यूरिंग योर टेस्ट डिटेक्शन, जिहड़े सुपरवाइजर्स तुहाडा टेस्ट चैक कर रहे हैं, दैन हो सकता है कि वो तुहाडे टेस्ट नू इनवैलिड कर दें। इस तो इलावा होर कई रीजनस ने जे तुसी अपना टेस्ट दे रहे हो ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन, कई बार पासपोर्ट की पिक्चर या तुहाडी अपनी जिहड़ी पिक्चर है वो क्लियर नहीं होंदी, और डेफिनेटली ड्यूरिंग टेस्ट तुहानू इस चीज़ बारे कोई कन्फर्मेशन नहीं देंदे बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स ने यह चीज़ एक्सपीरियंस की है और एंड इस चीज़ में भी कहते हैं कि सानू ड्यूरिंग टेस्ट किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, उन्होंने साडा जिहड़ा आइडेंटिफिकेशन है उन्होंने सक्सैसफुली एक्सैप्ट किया है, बट आफ्टर टेस्ट जब उन्होंने टेस्ट कंप्लीट हो जाता है वो टेस्ट को इनवैलिड कर देंगे ने, टेस्ट रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करते एंड पिछे रीज़न देंगे ने कि भी तुहाडी जिहड़ी आइडेंटिफिकेशन है वो कंप्लीटली सपोर्टिव नहीं सी। सो जे तो तुहानू लग रहा है कि तुहाडी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हुई तो तुसीं एक ऐसे रूम दे विच रहो जिथे प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर क्लैरिटी है, कैमरा क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है, कैमरा क्लैरिटी रखो, कितने भी फ्लैश ना पवे तुहाडे फेस दे उत्ते, तुहाडी आईडी जिहड़ा है तो जिहड़ा तुसीं अपनी आईडी प्रूफ अपना पासपोर्ट यूज़ कर रहे हो वो भी प्रॉपर स्क्रीन दे उत्ते तुहानू विजिबल होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर क्लियरली मैनशन हो विजिबल होना चाहिए एंड स्टूडेंट का नेम जिहड़ा उहदे बेसिक डिटेल्स ने वो क्लियरली विजिबल हो। जे इन केस ये सारिया चीज़ा होने के बावजूद भी तुहाडा टेस्ट इनवैलिड हो जाए या फिर वो तुहाडा रिजल्ट ना डिकलेयर करन एंड दोबारा तो तुहानू आइडेंटिफिकेशन अपलोड करन दी बारे कोई भी इनफॉर्मेशन आ रही है या कोई भी तुसी मेल रिसीव कर रहे हो, दैन तुसी एक सिंपल जा स्टेप फॉलो करना है, तुसी अपलोड री अपलोड आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन के उत्ते जाओ एंड अपनी दोबारा तो आइडेंटिफिकेशन नू अपलोड कर दो विद इन 7 days। इस तो इलावा कई बच्चे ऐसे भी ने जिहड़े एक तो ज़्यादा आईडीज यूज़ कर रहे हैं, सो जे तो तुसी एक कन्फर्म आईडी अपनी बना चुके हो, उस आईडी के उत्ते तुसी अपना पेपर बुक कर चुके हो एंड तुसी अपना टेस्ट भी उस आईडी ते एक बारी परफॉर्म कर लिया, बट ड्यू टू सम रीज़न तुसी अपने टेस्ट नू सर्टिफाइड नहीं कर पाए या किसी तरह तुहाडा रिजल्ट जिहड़ा है वो प्रॉपरली रिसीव नहीं होया या इनवैलिड हो गया या फिर तुहाडे स्कोर्स प्रॉपर नहीं है, जब तुसी सैकेंड अटैम्प्ट दे रहे हो तुसी इस चीज़ का खास ख्याल रखो कि तुसी सेम आईडी ही यूज़ करनी है बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स किसी दूसरी आईडी तो अपने पेपर नू देने की कोशिश करते हैं, बट ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन अगेन मैं चीज़ रिपीट करूँगी, ये चीज़ वो पहला नोटिफाई नहीं करते ड्यूलिंगो टेस्ट के दौरान, जब तेरा टेस्ट हो जाता है आइडेंटिफिकेशन सारिया चीज़ा कंप्लीट हो जाती ने रिजल्ट तो कुछ टाइम पहला तुसी ये मेल रिसीव कर लेंगे हो कि तुहाडा टेस्ट जिहड़ा है वो इनवैलिड रहा क्योंकि तुसी किसी दूसरी आई डी तो टेस्ट दे रहे हो। सो इहदे विच कोई लॉस नहीं होएगा, जे तुहाडा टेस्ट इनवैलिड होया है तां वी तुसी अपने रिफंड दे लई आस्क कर सकते हो। सो हुण किहड़े सोर्सेज दे थ्रू तुसी कॉन्टैक्ट करोगे जे तुसी रिफंड लई भी अपना आस्क पुछना है, से तां उहदे लई तुसी कोई भी क्वेरी है तुसी ड्यूलिंगो वैबसाइट दे उत्ते जाके तुसी मेल ड्रॉप कर सकते हो या फिर तुसी चैटिंग दे थ्रू भी उन्हां दे नाल अपनी जिहड़ी प्रॉब्लम्स हैं उन्हां नू डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिहड़े किसी भी तरह की क्वेरीज अपने इनवैलिड टेस्ट नू लै के पुछना चाहते हैं और ड्यूलिंगो मेल सबमिट करके अपनी क्वेरीज नू उन्हां तक पहुँचा सकते हैं, जे तुसी चाहते हो कि तुहाडा टेस्ट इनवैलिड होया है बट तुहाडे कोल कोई सोर्सेज नहीं है कि जिन्हां दे थ्रू तुसी कॉन्टैक्ट कर सको, दैन तुसी जिहड़ी भी मेल रिसीव करते हो ड्यूलिंगो टेस्ट दे थ्रू उत्थे ही जाके तुसी अपना रिप्लाई या फिर अपना कोई न्यू मैसेज
मेल ते अपना ड्रॉप करो एंड ओदे बारे इनफॉरमेशन तुहानू ड्यूलिंगो वैबसाइट तो या ड्यूलिंगो टेस्ट सेंटर तो विद इन अ डे और टू रिसीव हो जाएगी। कई बार बच्चे अपना रिफंड जिहड़ा है और रिफंड वापस लैण लई भी तुसीं अपने ड्यूलिंगो की जिहड़ी टेस्ट बुकिंग रिसीट है ओदी भी तुसीं अटैचमेंट नाल भेज सकते हो एंड अपनी टेस्ट की जिहड़ी पेड अमाउंट है वह तुसीं वापस रिसीव कर सकते हो। सो ऐसे कुछ खास इनफॉरमेशन ड्यूलिंगो टेस्ट इनवैलिड होने की करके एंड सोर्सिस जिन्हों के थ्रू तुसीं ड्यूलिंगो टेस्ट के नाल जुड़े हुए जो सुपरवाइजर्स ने जो सुपरवाइज करते हैं तुहाडा टेस्ट उन्होंने नाल तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अपनी क्वेरीज नूं डिस्कस कर सकते हो। इदां दे ही वध तो वध इनफॉर्मेशन एंड जानकारी लैण दे लई तुसीं साडे नीचे दित्ते गए नंबर ते कॉल करो एंड साडी टीम दे नाल जुड़ो। धन्यवाद।